आलिया भट्ट ने जो कसाटा साड़ी लाइक लुक कसाटा का है, इतने ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्स की जो साड़ी पहनी है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पेस्टल कलर्स आर लाइक सो मच इन ट्रेंड दीज डेज, काफी टाइम से चल रहे हैं, अभी तो और भी ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। पेस्टल कलर होता क्या, लाइक ब्लू है, चाहे वो पिंक है, चाहे वो ग्रीन है, ऑल योर रेगुलर कलर्स जिनमें थोड़ा हम व्हाइट मिक्स करके उन्हें लाइट टोन का कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज डार्क ब्लू, ये कहीं से भी दूर दूर तक पेस्टल नहीं है। इसी में अगर मैं व्हाइट मिक्स कर दूंगी इसको बहुत अलग सा लाइक लाइट का कलर बना दूंगी, समथिंग लाइक दिस, ये एक ब्लू का शेड आ जाएगा देन पेस्टल वाला, इस तरीके का। सो जो आलिया भट्ट ने कसाटा वाली लुक की जो साड़ी पहनी है, जो ट्रेंडिंग साड़ी है, लिटरली बहुत ज्यादा ट्रेंड करी है, बहुत सारे पैटर्न्स आए हैं, मुझे तो सारे पैटर्न्स बहुत ब्यूटीफुल लगे, प्लस ऑन ब्यूटीफुल फिगर साड़ीज बहुत प्यारी लगती है, प्लेन साड़ी स्पेशली गर्लिश लुक देती है बहुत अच्छा। सो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ एंड आप लोगों के लिए रिव्यू करके एक वीडियो बना करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली फिर जैसे हर वेबसाइट पे आज के टाइम पे वो साड़ीज इतनी ज्यादा इन ट्रेंड है तो कैसी मिल रही है, क्या प्राइसेस हैं। यार मैंने तो मीशो पे 500-600 तक की भी देखी है, कुछ वेबसाइट्स पे 1300-1200 की भी देखी है, कुछ पे महंगी भी देखी है। सो मैंने एक्चुअली विपनारी से ली है एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ना ही ये मुझे साड़ी फ्री में मिली है, मैंने अपने पैसों से खरीदी है। तो मैंने विपनारी नाम की एक वेबसाइट, मुझे इंस्टाग्राम पे एड आ रही थी तो मैंने उसके थ्रू फिर ली, ठीक है। वहां पे 1 मिनट रेडी टू वियर साड़ी थी, मैंने कहा ये बढ़िया है, रेडी टू वियर मिल जाएगी, तो पहननी तो आती नहीं है कभी खुद से पहनना और कैजुअल टाइप की साड़ी है तो ऐसी फटाफट से पहने, कभी मूवी देखना है, कुछ कहीं जाना है तो ऐसी पहन करके चले गए। सो आई थॉट ट्राई करके देखते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस कि कैसा पार्सल आया है। आप लोगों ने भी ट्राई करी आलिया भट्ट की वाली साड़ी तो मुझे कमेंट्स में बताना, और कैसी लगेगी, कैसा है, क्या है, वो भी कमेंट्स में बताना। देखते हैं वर्थ बाइंग और नॉट, बिकॉज जैसे पिक्चर में दिखाई थी इट वॉज लुकिंग वेरी मच ब्यूटिफुल, बहुत प्यारी लग रही थी। अब हम थोड़ा खोल करके देखते हैं कि रियल में कैसी लग रही है। कलर्स तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे पेस्टल कलर्स हैं, लाइक लिटरली इट्स सो मच ट्रेंडिंग। जिस दिन मैंने इसे ऑर्डर करा ना उस दिन आई सो कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास एग्जैक्टली सेम है, मुझे पता होता तो फिर मैं लेती नहीं, एंड लेकिन अलग अलग वेबसाइट से ली है, शी इज नो आइडिया उसने कहाँ से लिए याद नहीं है, मैं इसके बारे में भी रिव्यू फिर थोड़ा सा देती हूँ। लेकिन अभी पहले जो मैं विपनारी से मैंने लिए मुझे याद है कहाँ से लिए, क्योंकि मैंने रिव्यू करना ही था इस पर्पज से ही मेनली मैंने ली थी। तो मैं देखती हूँ कि कैसी है, कलर्स बहुत प्यारे हैं यार, आई लव दीज कलर्स, तो प्यारा पेस्टल ब्लू है देन वो ग्रीन में मर्ज होता देन येलो और ग्रीन से ब्लू बनता ना, लाइक उस तरीके से ऐसे शेड्स जा रहे हैं, फिर ग्रीन से येलो होता फिर थोड़ा ऑरेंज सा शेड आता जाके येलो पिंक जब बनता तो यू गेट दैट ऑरेंज कलर, पूरा कलर व्हील याद आ रहा है ऐसे मुझे, कलर थ्योरी एंड ऑल। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी जब मैं, तब मैंने ये सब देखा था। खैर अभी फिलहाल आई एम इंजीनियर एंड न्यूट्रिशनिस्ट तो कर रही थी, लेकिन मैं एक टाइम पे फैशन डिजाइनिंग का बोल अकेडमी ऑफ फैशन में। तो ये पिंक कलर का आ गया, अब ये बॉर्डर में इन्होंने ब्लू कलर का ये पूरे में दिया हुआ है, देयर इज दिस लेस ब्लू कलर की, आप ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर की लेस पूरे में साइड्स में इन्होंने दी हुई है, विच इज लुकिंग फाइन, सिंपल है और बहुत ज्यादा महंगी साड़ी तो देखो नहीं है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेटली 1600 कुछ की आई है। एंड देन ये रेडी टू वियर साड़ी है, सो दिस इज वन गुड थिंग। अब मैं कपड़े की बात करूं तो दिस इज आई थिंक जॉर्जेट, आलिया भट्ट की जो साड़ी है वो मे बी शिफोन की दी, एंड ऑब्वियसली वो कोई बहुत बड़े डिजाइनर की साड़ी होगी तो एक्सपेंसिव भी बहुत होगी, बट जब हम लोग ये आलिया भट्ट की साड़ी का रेप्लिका खरीदेंगे तो हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा। ये इम्पोर्टेड जॉर्जेट है तो इसका स्टफ थोड़ा बेटर देन जॉर्जेट है, काफी सॉफ्ट सा है, ऐसा ही पैटर्न आ रहा है ब्लू ग्रीन येलो इस तरीके का चलता हो, और बॉर्डर्स में पूरे में ही वो जो मैं बोल रही हूँ ब्लू कलर का बॉर्डर है वो पूरे में ही आया है, ये इस तरीके से साड़ी चल रही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इन्होंने रेडी टू वियर वाला जो चीज है वो बना के दे दिया है, और ये इसके लिए हुक भी बना करके दिया है और प्लेट्स बना के दी हुई है, बहुत ज्यादा प्लेट्स नहीं है, नॉर्मल देख देते हो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक, हाँ हम लोग भी ऐसी तो बनाते हैं, कुछ 7 प्लेट्स हो गई है। और रेडी टू वेयर साड़ी है तो हुक को लगाने के लिए भी इन्होंने इंसर्ट्स बना के दिए बहुत अच्छे से, एंड देन इस तरीके से ये कपड़ा जा रहा है। और फिर आ जाता है ब्लाउज का कपड़ा, साड़ी तो मुझे ठीक लग रही है बट दिस इज ब्लाउज का कपड़ा,
ये तो मेरे हिसाब से कपड़ा काफी अच्छा है जो लड़कियों के हिसाब से, लाइक जो जैसे कॉलेज फेयरवेल में पहननी है आपको, कहीं पे ऐसे पहना है या गर्लिश लुक चाहिए है तो काफी अच्छी है लड़कियों के लिए साड़ी की, कहीं ना कहीं ऐसे पहनने के लिए किसी फंक्शन में भी पहननी हो तो। राखी वगैरह है कितने सारे, बिकॉज प्लेन है सिंपल है तो कहीं ना कहीं सिंपल ओकेजन पे आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। ऑब्वियसली आई वोंट से कि अपने खुद के भाई बहन की शादी में आप पहनो, तब आप हेवी कपड़े पहनोगे ज्यादा बढ़िया लगेगा। एंड एवरी डे के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल सम लेडीज डू वियर साड़ीज एवरी सिंगल डे तो अच्छा लगता है, जैसे नई नई शादी हुई है कुछ है तब थोड़ा कि हाँ शुरू शुरू में आप जाकर के नाइट सूट या बहुत कैजुअल वियर या जीन्स टॉप उतना नहीं पहनते, थोड़ा होता है ट्रेडिशनल पहनना है। दिस इज नॉट इवन कम्प्लीटली ट्रेडिशनल, थोड़ा वेस्टर्न लुक है इस साड़ी का, उसके लिए सही है। बाकी मेनली पहन करके पता चलेगा, सो आई एम गोना एक्चुअली वियर दिस एंड शो यू गाइस की लगने कैसे वाली है ये मेरे ऊपर। दिस कपड़ा इट्स नॉट वेरी गुड बट एट द सेम टाइम ज्यादा खराब नहीं है, इसके साथ लाइनिंग लगवाना पड़ेगा। कलर ऑफ दिस इज नाइस, अच्छा वाला ब्लू कलर है, थोड़ा पेस्टल डार्क वाला हो गया, मतलब उतना पेस्टल नहीं रहा है। तो ब्लाउज के लिए आप देख सकते हैं इतना कपड़ा आया, सो आराम से भी आई थिंक कितने मर्जी साइज करे बहुत ही आराम से ब्लाउज बन सकता है, इसमें बन जाएगा 44-46 बस साइज तक तो आराम से भी इतने कपड़े में मुझे लगता है ब्लाउज बन जाना चाहिए जहाँ तक मुझे आइडिया है। और बाकी साइज छोटा जितना आप बनवा ही सकते हो, तो अगर ब्लाउज बनवाना है जैसे बनवाना है वैसे आलिया भट्ट का ऐसा वी शेप वाला डीप नेक वाला स्वीट हार्ट नेक्स वाले काइंड ऑफ वैसे वाले ब्लाउजेस थे पूरे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। बाय द वे लव दैट मूवी, कितनी अच्छी मूवी, आपको कैसी लगी? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाली आलिया भट्ट की सारी साड़ीज एंड लुक्स बहुत ब्यूटीफुल है यार, लाइक लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल और वेरी ब्यूटीफुल। जैसे तो चलेगा कलर बट जैसे ये बॉर्डर इन्होंने लेस ये वाला बनाया ब्लू कलर का तो इससे ज्यादा मैचिंग नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे ही बढ़िया लगेगा इसके ऊपर लगा करके। हाँ ये वाला जो कलर है ना साड़ी में ये ब्लू, इस ब्लू से मैचिंग है। मैंने ये कपड़ा लगाया अब जो एक और साड़ी मेरे पास यहाँ पर है जो वेपनारी की नहीं है, कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कलर्स आर डार्कर, ठीक है, देयर इज नो येलोइश टोन, ये ऑरेंज डार्क है, दिस पिंक इज डार्क, थोड़ा पेस्टल से हट गया, स्टिल दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो बस ये है कि जैसे जैसे प्राइस का डिफरेंस आता जाएगा ना वैसे वैसे क्वालिटी कम आएगी, जैसे जैसे प्राइस आप हाई करेंगे वेबसाइट्स चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली प्राइस थोड़ा बढ़ेगा। ये भी अच्छी साड़ी है नो डाउट बट क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी है लोअर, पता लग रहा है मुझे हाथ लगा के ना, उतना सॉफ्ट नहीं है कपड़ा, जो मैंने वेपनारी से लिया वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। अरे 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 कितना प्यारा कपड़ा है इसका पता है, मुझे तो थोड़ी नॉलेज है ना, अभी मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया जिन्होंने दूसरी वाली साड़ी के लिए मना कर दिया था मेरी सिस्टर इन लॉ को पहनने के लिए, बट उसको कलर्स और ये इतना ज्यादा मन है ना, अभी हमारे फ्रेंड की एंगेजमेंट है वहां पहनने का, उसको तो बहुत ही ज्यादा मन है, मुझे तो लाइक बहुत पसंद आई है, उसको एक्सट्रीम लेवल पे मन है। तो फिर अब मम्मी मान गई है कि हाँ ये अच्छी लग रही है ये वाली पहन सकता है, और इसका कपड़ा भी अच्छा है, बट इसका ब्लाउज का कपड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, तो हम ब्लाउज उसके वाले कपड़े का बनवाने वाले हैं। मैं भी वही कह रही थी ना, थोड़ा मुझे ब्लाउज का कम अच्छा लग रहा है, बट यार साड़ी इज लाइक ब्यूटिफुल एंड आई एम गोना टेल यू गाइस दिस थिंग। साइज की अगर बात करते हैं लिटरली हुक के साथ ना फिर इतने सारे वो बने हुए हैं इंसर्ट करने के लिए, अप टू 48 इंचेस वेस्ट साइज तक आ सकता है, इफ समवन हैज अ बिगर टमी लाइक तो उसको बहुत आराम से आ जाएगा। और हाइट की अगर मैं बात करती हूँ ज्यादा हाइट वालों को नहीं आएगा, मैंने अभी हील पहनी है 2.5 इंच की और मेरी हाइट है 5'2.5 तो लगभग 5 इंचेस टोटल विद हील्स मिला करके ये साड़ी आएगी, नहीं थोड़ी और भी आ सकती है, मैं थोड़ा ऊंचा बांधती हूँ आई थिंक कोई 2 इंच 2.5 इंच नीचे बांध देगा तो हाँ 5'7 मैं थोड़ी सी मोटी हूँ ना कोई पतला है तो ऑब्वियसली नेवल के नीचे बांधेगा, तो 5'7 हाइट तक वालों को भी आ सकती है, फिर तो जब पेट में नेवल के ऊपर बांधते हो तो 5 इंचेस तक टोटल हील्स में ला के, अदरवाइज 5'7 to 5'8 टोटल, और 48 इंचेस तक वेस्ट साइज पतले हो तो डेफिनेटली आ जाएगा। बहुत सारे इंसर्ट करने के वो बने हुए हैं, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और साड़ी लिटरली एक्चुअली बहुत प्यारी लग रही है, पूरा वो सेलिब्रिटी वाइब इसमें आ रहा है, मजे आ गए पहन करके। मैंने अपनी बिकनी के साथ थोड़ा ब्लाउज का कपड़ा अभी सेट करके ऐसे करके मैनेज करें, बाकी ब्लाउज तो हम इसका सिलवाएंगे। आई लव इट, मैं तो वेपनारी से अलग कलर्स में ऐसी साड़ियां और खरीदने वाली हूँ 1 minute ready to wear वाली। ऑलमोस्ट सिमिलर साड़ी मुझे मिल गई है आलिया भट्ट जैसी एट फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस, जस्ट ब्लाउज एंड कलर ऑफ लेस इज डिफरेंट एंड रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट।